भाइयों, ये है कैलाश खेर जी का मकान जो कि मेरठ में है, ठीक है, महल गांव में, ठीक है, महल का गांव में है, ठीक है। ये देखो भाइयों, ये किवाड़ सर पुराने हैं, ये पुरानी है सब, उसी टाइम के, ये पहले ही, आप पहले ही है। देखो भाइयों, ये पहली है जिसपे ताला भी लग रहा है, खुलने का भी नहीं, अबे जर लग गया सर इसमें तो है। अच्छा, अभी खड़े हो, लकड़ी तो बड़ी मजबूत है सर, आज तक निकली। अच्छा, यहाँ पे उनके पिताजी के टाइम पे दूर दूर तक का आदमी आता था, बहुत दूर ये बैठक होती थी उस टाइम पे। ये गेट है, देखो कितने मजबूत है, देखो भाई कितने मजबूत है। तो सर यहाँ पे उनके पिताजी बैठते थे और आस पास के गाँव के लोग भी आते थे? हाँ, पिताजी, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, पूरा जी लगता होगा सर उस टाइम पे तो। जी, मैं वहाँ से वहाँ तक भरा रहता था, यहाँ बैठते थे, यहाँ भी बैठते थे, यहाँ से यहाँ तक चारपाई रहती थी, जब ज्यादा हो जाते थे नीचे पल बिछा दिया, पल बिछाने के बाद में गाना बजाना चल रहा, हारमोनियम, बाजा, ढोलक, चिमटा, पब्लिक बिटली हो जाती थी। कहने का तात्पर्य ये है, आनंद आता था, बहुत मौज आती थी, समय याद आता है, आज भी याद आता है। आपको कैसे लगते हैं इनके जो कैलाश खेर के गाने हैं जो अच्छे? क्या बात है भाई, भाई है, ऐसी बात नहीं। गाने सुनते हो? एक बात तो, हाँ, समय मिलता है, मेरे बेटे बहुत सुनते हैं, मेरी बिटिया जी जी बहुत शौक के फैन है ऐसे जी। तो यार भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान योद्धा में, ठीक है। जो और हर भाई दिक्कत करने पहुंच गया भाइयों, महल का मैं, और यहाँ के हमारे सिंगर रहे हैं जिनका बहुत ही प्रसिद्ध गाने रहे हैं कैलाश खेर जी, वो कभी रहा करते थे इस वाले घर में, रहा करते थे, और अब इनके भाई रहते हैं यहाँ पे। कैलाश खेर जी का घर ये है, ठीक है। कैलाश खेर जी का घर कौन सा बेटा, यही है कौन सा, यो वाला? अच्छा, यो है तो दोस्तों ये वाला है, और उनके भाई रहते हैं जी यहाँ पे, आनंद खेर जी, उनसे बातचीत करेंगे, ठीक है। यहीं पे बैठते हैं तो भाइयों बात करेंगे उनसे, ठीक है। ये देखो, नमस्कार अंकल जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। तो थोड़ा सा किसान भाइयों का एक बार परिचय दे दो जी अपना। जी 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 बताइए साहब। ये आपका शुभ नाम जी? मास्टर आनंद खैर जी। पिताजी का नाम जी? स्वर्गीय श्री घासीराम खैर जी। जी, तो जो ये कैलाश खेर है, ये यहाँ कब तक रहे होंगे आपके अंदाज से? ये तो कोई 10-12 साल की उम्र में चले गए थे, यानी तुम बच्चे थे उस टाइम पे? हाँ, बच्चे थे, थोड़े छोटे ही थे जी जी हाँ। और यहाँ से जो बड़े भाई थे वो बैंक में मैनेजर थे, उनके पास ही रहे से हैं। अच्छा, बैंक में मैनेजर थे? हाँ, वहीं से रहे से हैं, और वहीं रहने के बाद में वहीं उसने पढ़ाई लिखाई की, पढ़ा जी मैं बताऊँ आपसे, और उसके बाद में जो कोचिंग वगैरह वहीं करी, वही संगीत सीखा गंधर्व महाविद्यालय में गाजियाबाद जी, ठीक है। और उसके अनुसार ही वो आगे आगे बढ़ते चले गए, मेहनत ज्यादा की है उसने, जी तोड़ के मेहनत की है, छोटे से ना फिर हमारा एक खानदानी काम है, चौथी आमली से तो मैं भी देख रहा हूँ, गाजा वाजा ढोलक वगैरह वगैरह सारी चल रही है, और गुरुमुखी भी रहे हैं, नगली दरबार से जुड़े हैं, नगली दरबार से भी जुड़े हैं, मैं नाथपंथ से जुड़ा हुआ हूँ, गोगा जी चौहान जी को, गोरखनाथ जी को मानता हूँ। अच्छा, देख रहा हूँ, मुझे लगा रखी है जी हाँ, गाँव में अकेला ही रहता हूँ जी जी, याद सबको करता हूँ, सबको करते हो? सबको याद करता हूँ जी जी, सब दिल में बसे, लेकिन मुझे कोई याद नहीं करता जी जी। हाँ, जो बात है, मैं प्रेम का प्रेमी है भाई साहब, यानी मानो इस बात को, भाई है आखिर, मैं चाचा का लड़का तो सगा ही भाई है। हाँ जी, चाचा जी के लड़के सगे भाई हुए, सगे भाई है जी। अब भाई देखो, वो बड़े आदमी है इस टाइम, वो जो है उनको, उनके पास बस समय नहीं है, अब वो बात नहीं कर पाते, तो अब उसमें हम क्या कर सके भाई। नहीं, बड़ा छोटा तो कोई नहीं होता जी, देखो अपना स्वभाव अच्छा तो सब चीज बड़ी होती है। आप जैसा भी आप उनका नहीं स्वभाव मिलता है या कुछ भी समझिए आप, हम तो बहुत चाहते हैं भाई वो यहाँ नाम करे, स्कूल बनवावे, पिताजी का खानदान का ऐसा काम कर दे, रहना तो हमेशा अमर तो रहना नहीं किसी को, यहाँ अमर कोई आया ना कोई ले जाएगा जी जी, ये बहुत अच्छी बात कही, देखो बांध के आया और हाथ पसारे जी जी बात को जी जी। तो मैं तो यही मानता हूँ कि नाम की झंकार है, जैसे कि हमारे परिवार में हमारा छोटा भाई है कैलाश खैर जी, बड़ा इंसान है, गायक है, सूफी गायक है जी, खुशी की बात है, उसके जरिए से हमारे भी काम होते हैं जी, बैंक में पुलिस वालों से, पुलिस वाले खम्भे खाभी आकर यहाँ से टॉर्चर करते हैं मुझे जी, लेकिन मैं जब उन्हें ये पता चलता कि कैलाश खैर का भाई है जी, पर जी। समझो फिर तो कोई कोली भर का जहाँ फिर तो अच्छा, मतलब ये है जी जी। हाँ, ये होता है नाम से, उसका नाम ही काफी है हमारे, हमें मिलो या ना मिलो, लेकिन उसका नाम ही काफी है, बड़ा बड़ा आदमी है जी जी। अब हम तो उसके लिए दुआई करते हैं, वो और उच्चा होद्दा पावे भाई जी, भाई है तो खानदान का, परिवार का छोटा भाई है, हम उसका बुरा नहीं सोचेंगे कभी जी, सही बात है, नहीं सोच कभी उसके बारे में, ना बुरा सोचा ना सोचा, उसके मन में लोगों ने कुछ गलत फहमी डाली हमारे प्रति जी, लोगों ने डाली नहीं है, लेकिन हम गद्दी पे बैठे हैं, हम भी गुरु गोरखनाथ जी के भक्त में 23 साल से जी पुजारी हैं,
और बागड़ भी जाते हैं, तुम्हारे दुआ सर नाम भी कमा रखा है, ऐसी बात नहीं है जी। और गोकर्णा धाम से हनुमानगढ़ी जिले में गोरखनाथ जी, जी का भक्त भी हूँ और वहाँ से मैंने नाम दाम भी लिया हुआ है जी जी। जो बात है चोला भी लिया हुआ है, भेंट भी लिया हुआ है, चेले भी हैं बहुत दूर दूर, हर बिरादरी में चेले भी हैं आपके आशीर्वाद से, आपके दुआ से, गुजरों में, त्यागियों में, चमारों में, कुमारों में, सैन हरियाणा में, पंजाब, दिल्ली, रुड़की, हरिद्वार, इधर से सब आते हैं सेवा, किसी से कुछ नहीं लेता, फ्री में सेवा करता है। तो भैया क्या करूँ, जो क्या स्टैंडर्ड चाहिए आप तो जी जी। अब भाई मेरी इतनी औकात नहीं है भाई जी, चैनल वालों, किसान चैनल वालों जी जी जी, जो मैं बिल्डिंग बना सकूँ। सही बात है, महंगाई का जमाना है, कोई बात नहीं जी। वो कहते हैं ना भगवान सबको ऊपर कर दे, अपना भगवान पे असर रखो, एक दिन भगवान ऊपर पहुंचा दे अपना। भगवान जी पे इतना भरोसा है, मैं बड़ी नेक नियत मंजिल आसान से चल रहा हूँ, जन्म भूमि पर पड़ा हूँ, यही मेरी तप भूमि है जी जी, यही मेरी कर्म भूमि है जी जी, यही मेरी जन्म भूमि है जी जी, ठीक है ना, यही मेरी जन्म भूमि है ठीक है ना जी जी। और यही मैंने तप किया है, 15 तपस्या कर चुका हूँ, 15 भंडारे दे चुका हूँ, ये देखो भाई और तपस्या, हाँ जी, और खानदान का नाम रोशन किया हुआ है जी जी। आज तक किसी को सताया नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई पूरे गांव में जाके या आसपास के इलाके में किसी से भी इंक्वायरी कर सकते हैं कि मास्टर आनंद नाथ कैसे हैं, मेरा स्वभाव कैसा है जी जी। लोग बता भाई देखो सुनो, सुननी पड़ती है जी जी। इधर उधर के लोग आते हैं, इनको भाई इतना बड़ा आदमी हो गया तुम यार, तुम्हारा भाई इतना बड़ा सूफी गायक है, और यार तुम यार कहाँ के काम है, कोई बात नहीं, कहाँ राजा भाई, कहाँ गंगू तेरी, या नहीं सही बात, हाँ कहने का मतलब ये है जी, जैसा भी वो नसीब अपना। एक नुका कर रहे थे हमारे चाचा गुरु मेहर सिंह मासे जी, जी जो हमारे चाचा जी हैं जी, नुका एक बेल पर दो कचरे, दोनों के भाग नहीं आ रहे, नहीं आ रहे जी, एक बिगता एक बिग्या पलेज पर, अरे फिरता गली आ रहे गली आ रहे जी। तो नसीब अपना अपना है, सही कहते हैं नसीब अपना अपना होता है जी, नसीब अपना अपना होता है भाई बेटा, कहने का तात्पर्य यही है बस, आ गए और क्या बताएं उनके बारे में, ठीक है वो अच्छा है, सदा सुखी रहो, हम तो यही चाहते हैं कि वो आगे बढ़ो जी, जी बस हमारे हम और उससे ज्यादा क्या कह सकते हैं जी, अपनी अपनी करनी है, अपने अपने करने को जाना है सबको जी। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा साहब जी, है नहीं मानो, हम तो महाराज जी की भक्ति में लगे रहें, स्कूल चलाना जी, स्कूल चलाना जी, और अपना जो भक्ति में रहना, बच्चों की देखभाल करना, बच्चे एडजस्ट कर रखे बाहर जी, जी राजाबाद में मकान बना रखे हैं, वही अपना बीएड कर रहे हैं बच्चे, दो बेटे हैं जी जी, एक बेटी है, बड़े बेटे का नाम हिमांशु खैर है, इसकी बेटी का नाम लविना खैर है, छोटा गुरमीत खैर है जी जी, दो बच्चे बीएड कर रहे हैं, तीसरा बच्चा जो है वो अपना जो है अभी इंटर किया है। कभी तुम्हारे बच्चे नहीं कहते जैसे कि हमारे चाचा जी हुए हैं, हम भी मिलेंगे उनसे, कहते हैं खूब कहते हैं, तो एसएमएस भी करते हैं, कोई जवाब नहीं आता। अच्छा, उनको मैसेज भी करते हैं? करते हैं, हमने अपनी बहन के दौरे भी बच्चे जैसे करते हैं, अपनी बुआ के पास कोई मतलब, शुरू शुरू में तो रेस्पॉन्स दिया उन्होंने बहुत अच्छा दिया, मिलते भी थे, बहुत मोहब्बत करते थे बहुत ज़्यादा। अगर मैं दिल्ली चला गया तो उसको बंदे को ही पता चला कैलाश खैर को, पप्पू आया हुआ, मेरा नाम पप्पू है, प्यार से पप्पू, जो मेरे खानदानी है मुझे आज भी पप्पू के नाम से कहते हैं, बहुत मोटा ताजा था, मैं अब तो मार रहा हूँ, कहने का मतलब ये उम्र का तकाजा है, कहने का अगर दिल्ली में उसको ये पता चल गया कि पप्पू आया हुआ है गाँव से, तो किसी भी बंदे को भेज दिया गाड़ी लेकर, उनको जाओ भैया को लेकर आओ जी जी। इतना रेस्पेक्ट, इतना मान सम्मान, और ऐसी बात नहीं वो लोग बाकी तो बुराई करते हैं जी, लेकिन मैं मानता हूँ इस बात को, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी अच्छाई भी करते हैं जी जी, अच्छाई भी करते हैं ऐसी बात, वो बहुत से तो किलस के वजह से कहते हैं जी जी, बहुत से जो ऐसे हैं। अभी मैं बैंक में गया, बैंक के मैनेजर कहने लगे इनको, मास्टर जी मैं समझ सकता हूँ, वो बड़ी बड़ी चीज़ है, कोई छोटे मोटी चीज़ तो है नहीं, जो छोटी मोटी चीज़ से मिल जाएगा, जो इंसान मोदी के साथ में जी, योगी के साथ में, बड़े मंत्री के साथ में खाना खाता हो, गाने बनाता हो, तो छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है नहीं जी, बहुत बड़ी चीज़ है, कहने का तात्पर्य यही है। एक नासिक में उसने धर्मशाला बनवाई पिताजी के नाम की, आगरे में धर्मशाला बनवाई, ठीक है जी। अरे अब एक ऋषिकेश के अंदर उनने बहुत बड़ा आश्रम खोला रामदेव जी की तरह जी जी, गरीबों की सहायता करता है, लॉकडाउन में कोरोना काल में उसने बहुत लोगों की, गरीब लोगों की सहायता की, नोट दिए लोगों की, ऐसी बात नहीं, मैं सूचना सब आती है, कोई ना कोई ये नहीं तो भतीजे तो बताते हैं, भतीजे भी बताते हैं, किशन खैर से ही बात होती है जो बात है, धनंजय खैर से भी बात होती है जी जी, जो बात है ऐसी बात नहीं है, जो मेरे परिवार के हमसे बात होती रहती है, और भी नहीं तो पूछता तो रहता ही हूँ, भाई बता देते हैं मेरे बारे उनके बारे में,
तो मुझे भी थोड़ी खुशी होती है। बस ये है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं जन्मभूमि पर चिराग जला रखा। बट मैं तो ये चाहता था एक बार भाई यहाँ पर नाम रोशन कर दे, चाहे हो या ना हो। सही बात है। यानी ये तो भाई अभी और भी एक स्कूल बनवा दे पिताजी के नाम का जी, इंटर कॉलेज हाई स्कूल जैसे भी उसकी औकात हो, यानी और यहाँ नाम हो जाए खैर परिवार। बस खैर परिवार रहना मुझे भी नहीं यहाँ पे। सही बात है। देखो सुनो ना, मैं ना कोई लाया ना कोई ले जाएगा मुझे। हाँ ये तो है अंकल जी, मैं तो यही मानता हूँ। अच्छा। दोस्त जो बात है तो आप अपने जैसे बच्चों को क्या शिक्षा देते हो आगे इन फ्यूचर, कि आप भी उनसे कुछ सीखो आगे बढ़ो। हाँ हाँ, मैं नर्सरी से फिफ्थ क्लास तक मेरा स्कूल है IPS महल का जी, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम जी। जो बात है, और बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा देता हूँ। सब बच्चे जानते हैं कि ये कैलाश खैर का भाई है जी, और उन्हीं के ही मकान है ये जहाँ हमारे सर जी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके गार्जियन जानते हैं ना जी, जी। मेरे पढ़ाए में मुझे 37 साल पढ़ाते हो जी जी, बहुत काफी समय से मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चों की सेवा कर रहा हूँ। गरीब बच्चों से मैं कुछ नहीं लेता, गरीब बच्चों से कुछ नहीं लेता कभी भी। ये देखो जो विधवा होती है उनसे भी कुछ नहीं लेता हूँ जी। जो बात है, यानी कि भूखा मरना मंजूर है, लेकिन मतलब एजुकेशन, वही एक बाबा साहब ने कहा था कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ। मेरा जो जीवन है वो बच्चों के लिए बना। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मैं पढ़ा लिखा कर इनको IPS अधिकारी बनाऊँ, ताकि ये नाम की जानकार है, ताकि वे बड़े होकर याद करें कि हाँ माटला आनंद ने पढ़ाया जी। सही बात है। यानी माना तो यो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपके जो पिताजी थे उनका नाम जानना चाहूंगा जी एक बार। स्वर्गीय घासीराम जी जी जी, और वैसे जो प्रथम गुरु हैं मेरे जी, वो चाचा गुरु हैं मेहर सिंह मासे जी। जी जी, पहली जो तपस्या कराई थी उन्होंने कराई थी, जो शुरू का नाम दान है उन्हीं का ही मेरे पास जी जी, उन्हीं का ही गुरु मंत्र है शुरू का। तो आप बागड़ भी आते हो, खोली धाम भी जाते हो? मिलखपुर बागड़ जाता हूँ ज्यादातर, भाई एक ही पकड़ रखा मैंने तो बागड़ जी जी, बस वही सेवा करता हूँ 23 साल से बस, और कुछ नहीं जी जी। तो काफी दूर दूर के लोग आते होंगे आपके पास? हाँ, बस मिलने चिलने वाले आते हैं, आप जैसे जैसे आप आ गए जी जी, चैनल वाले आ गए, पत्रकार आ गए हैं, सबकी सेवा, मोस्ट वेलकम। आइए, जिस लायक को हाथ जोड़ कर ताबेदार रहता हूँ, जिस लायक हूँ। क्यों जी जी, और ये कैलाश खैर आए थे फिर उसके बाद में एक बार चक्कर लगा गाँव में? जैसे गाँव में ये सन 2000 में आए थे सर जी, 2002 में, सन 2000 में। अच्छा, तो गांव में भीड़ लगी होगी पूरी देखने के लिए? नहीं, उस समय तो थे ही नहीं कुछ भी है जी जी, उस समय तो कहाँ थे कुछ, उस समय तो कोचिंग कर रहे थे बहुत। अच्छा। कोचिंग कर रहे थे गंदर महाविद्यालय में, बहुत बड़े गुरु के चेले हैं ये भी जी, संगीत वादक है बाकायदे, तबला वादक है, हारमोनियम वादक है, सब बजा लेते हैं, सब बजा लेते हैं, गाते हैं सुरीली आवाज में गाते हैं। जिस टाइम वो जिस टाइम हमारे चाचा गुरु हारमोनियम बजाते थे ये गाते थे, यहाँ नीम के नीचे भीड़ लग जाती थी, भीड़ लग जाती थी बहुत जबरदस्त, किस बच्चे की आवाज, भीड़ लग जाती थी, इस बच्चे की कितनी आवाज, कितनी सुरीली आवाज है। गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन हुए जैसे? हाँ साहब हुए थे। भला कैसी बात, मुझे हाँ माँ के भी हुए, बाबा गोरखनाथ जी के भी, और झार के भी शैंद्रू, तभी तो मैं पढ़ा लिखा बताते रहा हूँ। जब एक बार बताओ, अगर मुझे कुछ चमत्कार नहीं दिखाते ये तो बताइए मैं इस लाइन में क्यों आता ये बात। सही बात है जी। और तो जैसे आपको दर्शन दिए तो गुरु गोरखनाथ जी ने आशीर्वाद दिया था आपको? हाँ हाँ साहब, इस तरीके से। अच्छा, आज भी मेरे समक्ष शरीर पे है जी, सुनो मेरे साथ रहते हैं, जब भी मैं इनका भजन करता हूँ तभी जम्बा यात्री में समझ गया आप है, अलख निरंजन कहते हैं, देखिएगा भाई मुझे अलख रंजन, अलख निरंजन। अच्छा, आशीर्वाद दे के चले जाते हैं बस, एक ही जम्बा यहाँ भी कवर जी, एक बार कहा था कि आत्मा एक है भजन करो बस, ये बात कही थी। हाँ, आत्मा एक है कि भजन करो, जितना भजन करोगे समझो जी उतने ही कर्म कट जाएंगे आपके, उतने मोक्ष मिलेगा, भजन ही लास्ट स्टेज है मोक्ष की जी, भजन करना चाहिए। हाँ, भजन करना चाहिए मालिक का, यानी मान के चलो कि भगवान का नाम लेना चाहिए। यस, बिल्कुल लेना चाहिए, कहने का वे आ ने जी, देखिए जब आपने कह ही दिया जी कि भगवान का अर्थ क्या है जी, भैस है भूमि जी, गैस है गगन जी, यही है जी, जी यही है जी, हाँ यही है जी, ये गलत तो ना करा जी, नहीं नहीं, पांच तत्व आ गए जी इसमें, और लो आपको दर्शन दे, उसके बाद आपके जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। पड़ गया, आप देखिएगा मेरे घर वाले की नौकरी गवर्नमेंट टीचर है जी, और अगले सरकार में वो परमानेंट भी होगी थी बेचारी जी, फिर इन्होंने योगी सरकार ने भैया वो 40,000 सर 10,000 को ला दिया, तो करीब भी तो अपने आप ही आती जी, नहीं तो भैया मौज सी आ गई थी बहुत बढ़िया वाली जी जी, कोई बात नहीं, मौज तो अभी आ जाएगी भगवान दे, अभी आएगी मुझे विश्वास है जी, लेकिन काम आज तक भी नहीं रुका मेरा, अगर मुझे 10 रुपए की जरूरत है
ऑटोमेटिकली देखो मेरी भक्ति में सबकी इतनी में सच्ची आत्माओं का इंसान हुआ जी। किसान चैनल वालों जी 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 सच्ची आत्माओं का अपने आप ही ऑटोमेटिक देखो अब चाचा मैंने तुम्हें बुलाया तो नहीं अपने आप आ जाते हैं अपने आप की सेवा। मैं तो जिस लायक हूँ मैं तैयार रहता हूँ जी भाई। मेरा अगर तुम्हारा तन से मन से धन से मैं जिस काम आपके आ सकता हूँ जी भैया बिल्कुल आऊंगा 100% आऊंगा क्योंकि ना लाया ना कुछ ले जाऊंगा। जब आता सब यहाँ का ये रह जाना क्या रहेगा भाई। आज मास्टर आनंद जी ऐसे थे भाई एक यादगार रह जाती है बस केवल नाम जी याद करेंगे कि हाँ भाई जैसे कि आज भी अभी देख लो सन 87 में मैंने इंटर किया था जी। बहुत गरीब घर का बच्चे हैं जी जी तब से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था जी जी और पता 110 रुपये मैंने पढ़ाना शुरू करा था जी। मैं पढ़ भी रहा था जी अब पढ़ाता भी रहा था पढ़ाते भी रहे आज इस स्टेज पर आया हूँ। आज गुरु महाराज जी की चीज है काम भी नहीं कोई रुक रहा जी। आपकी आशीर्वाद से बाबा का आशीर्वाद से सब मौज बाहर जोड़ कर ये कहूँगा कि अच्छा चलन बादशाह है अच्छे रास्ते पर चलो क्यों जी जी बढ़िया भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और ज्ञान का रास्ता भी दो संस्कार दो यही कहना चाहूंगा भैया बस। नमस्कार जय हिंद जय भारत। तो भाई बड़ा अच्छा लगा आज इनसे मिलके। तो अब इनको थोड़ा सा आपको इनका घर दिखाएंगे तो आनंद मास्टर जी थोड़ा सा आप अपना घर दिखा सकते हैं हमारे किसान भाइयों ये आप ये भी आपका ही है ये सब आपका ही है सब दोस्तों ये इनके आपके पिताजी का कोई फोटो रखा सर जिसे देख सके हमारे किसान भाई अच्छा तो दोस्तों स्कूल का मेन गेट है जी पहले से ये है जी जी बाद में मैंने लगाया था जी जी लेकिन खुली भी थी जी जी और यहाँ से फिर तो दोस्तों ये प्राचीन बैठक है मेरी जी प्राचीन नीम है तो दोस्तों और ये यहाँ पे ये पेड़ यहीं पे खेला कूदा करते थे आप कैलाश खेर जी के साथ में जी। और ये मकान है जी तो सर जो आपका स्कूल है ये कितनी तक है सर कितनी आठवीं सातवीं कितनी नर्सरी से फिफ्थ तक पढ़ाते हैं जी। तो यहाँ पे सर मैम भी होगी बच्चों को पढ़ाने के लिए जी जी सर्विस का तो कितने बच्चे टोटल होंगे सर जैसे पढ़ते हैं बच्चे कम है नए नए स्कूल खुल रहे हैं मेहनत को कोई देखता नहीं है जी मेहनत को कोई देखता नहीं अब तो यह है कि भाई कोई 100 रुपये ले रहा कोई 150 दे रहा जी अब हम देखो सब हम पुराने हैं हमने 10 रुपये से 5 रुपये से पढ़ाना शुरू करा जी। तो दोस्तों देख आज हम 200 रुपये पाए जी जी और जो पिछले साल स्कूल खोला उन्होंने कर दी 100 रुपये जी तो बताओ बच्चा तो वहीं भगेगा पढ़ाई को नहीं देख रहे जी या नहीं पढ़ाई तो सबसे बड़ी बात होती है अच्छे संस्कार अच्छी पढ़ाई मेरे पढ़ाए बच्चे आज भी तुम गांव में जाते मालूम करो न्योरी मेहनका और तुम्हारा रसूलपुर गड़िना चरला तुम्हारा जी ये चंदौड़ी सरस्वा आसपास के बच्चे मेरे जो पढ़ाए हुए हैं आज गवर्नमेंट सर्वेंट है जी। देखो भाई गवर्नमेंट कोई फौजी है कोई बैंक में है जी इनके पढ़ाए हुए कोई टीचर है जी आज भी मान सम्मान करते हैं जी 4 पहियों गाड़ी में आते हैं मेरे पास में पैर छूते हैं बहुत अदब करते हैं जी बाकायदे ऐसी बात नहीं है इज्जत कमा रखी प्यार कमा रखा आपके आशीर्वाद से आपकी दुआ से जो एक बात है भाई छोटा यहाँ भी बाबा जी की तस्वीर है गौरव नाथ जी के देखो भाइयों यहाँ भी लगाई हुई है ठीक है और ये देखो भाइयों जैसे कोई गरीब बच्चा हो इसमें पैसे ना उसको आप फ्री भी पढ़ाते हो फ्री पढ़ाते हो उससे कोई पैसे नहीं लेते हो अच्छा देखो भाइयों सेवा करते हैं कोई किसी के पास कोई गरीब बच्चा है उसके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए तो उसको ये फ्री भी पढ़ाते हैं ठीक है इतने अच्छे इंसान कम ही आते हैं इस दुनिया में और भाई एक छवि जोड़ जाते हैं 100 रुपये ले रहा हूँ 100 रुपये में भी काम चल जा जी गरीब है तो गरीब जी ना कोई ला ना कोई ले जावा कोई ध्यान रहे गुरु जी के साथ में तो दोस्तों नेकी कर दे दरिया में डाल यहाँ अगर आप भक्ति करोगे तो भाइयों ऊपर फल मिलेगा जरूर ठीक है ये वही जगह है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था ना ये वही जगह है ना सर जी जी, जी। ये वही जगह है ठीक है उनका पेड़ था मैंने यादगारी में फिर जामुन का पेड़ लगाया अच्छा जी देखो भाई याद के लिए जी उन्होंने कटवा दिया था चाचा जी ने चले गए ना जी जी और उधर जो है ये 13-13 गज के लंबे दो मकान थे जी जी वो चाचा जी ने उनको दे दिया था मीर साहबों में जी जी और वो थोड़ा सा नहीं तो बहुत बढ़िया स्कूल बनता है जी तुम 10वीं 12वीं तक हाँ 10वीं तक बन जाता सर वहाँ तक सब आपका ही है जी तो दोस्तों देख सकते हैं परिवार का ही ये हमारे अंकल जी रहते हैं यहाँ पे ठीक है और आज मैं इनके बीच में आया हुआ हूँ किसान भाइयों और यो इधर से पहले यो गेट तो पुराना होगा सर है ना हाँ जी ये गेट पुराना है भाइयों इधर से पहले ये गेट ठीक है ये आज भी यहाँ पे स्कूल चलाते हैं और क्लास खे रहे हैं आपके सगे ताऊ जी के लड़के सगे चाचा जी के लड़के हैं जिनके सब वहाँ तक इनका ही है जी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे ठीक है ये देखो भाइयों ये स्कूल है और ये देखो ये है जो घर है
ये तो बैठक है जी प्राचीन। अच्छा, इसमें खेला करते थे आप उनके साथ में? प्राचीन भाई जब गाना बजाना होता था जी, जी जी, जहाँ पर पब्लिक आकर बैठती थी, आकर बैठती थी जी। हाँ जी, अब मैं सोच रहा हूँ थोड़े से पैसे हो जा जी, तो इसकी छत वत से कराऊंगा जी जी, थोड़ा सा मैं मतलब क्योंकि आज भी क्योंकि मैं बेचूंगा तो होनी कभी भी जीवन में ना बेचने देने का, चाहे मर जाऊं, लेकिन जन्मभूमि नहीं, जिसने जन्मभूमि बेच दी तो अपनी माँ को बेच दिया। सही बात है जी, ये बात सही है, बेचने नहीं देने का भैया, जिसे रहना भाई बना कर रहा हूँ जी, बना के रहूँ। सही बात है, इस बात को जी। और भैया जैसा कहा है ऐसी ऐसा कैसी रहेगा भैया, स्कूल जी मैं नहीं रहूंगा स्कूल में, कोई और बहन बेटी पढ़ाऊंगी, कोई भाई मेरा भाई पढ़ाएगा, नाम उनका ही रहेगा भाई। भाई एक इंसान की यादगार रह जाती है अंकल जी, बहुत ही अच्छे इंसान है रियली में। और ये भी अंकल जी पुराने ही होंगे ये? हाँ ये सब पुराने, देखो भाई ये सब पुराने हैं जी, ठीक है। ये देखो भाई ये जो घर है ये है हमारे कैलाश खेर जी का, उस इनमें उसका बचपन बीता और परिवार आज भी रहता है जी यहाँ पे, ठीक है। देखो भाइयों और ये देख लो जी भाइयों, ये है कैलाश खेर जी का मकान जो कि मेरठ में है, ठीक है, महल गांव में, ठीक है, महल का गांव में है, ठीक है। ये देखो भाइयों ये किवाड़ सर पुराने हैं, ये पुराने हैं सर, उसी टाइम के, ये पहले ही है। देखो भाइयों ये पहली है जिसपे ताला भी लग रहा है, खुलने का भी नहीं, अब जर लग गया सर इसमें तो है। अच्छा अभी खड़े है, लकड़ी तो बड़ी मजबूत है सर, आज तक निकली। अच्छा यहाँ पे उनके पिताजी के टाइम पे दूर दूर तक का आदमी आता था, बहुत दूर ये बैठक होती थी उस टाइम पे। ये गेट है देखो कितने मजबूत है, देखो भाई कितने मजबूत है। तो सर यहाँ पे उनके पिताजी बैठते थे और आस पास के गाँव के लोग भी आते थे? पिताजी हमारे, पिताजी हमारे, दादाजी, पूरा जी लगता होगा सर उस टाइम। तो जी मैं वहाँ से वहाँ तक भरा रहता था, यहाँ बैठते थे, यहाँ भी बैठते थे, यहाँ से यहाँ तक चारपाई रहती थी, जब ज्यादा हो जाते थे नीचे पल बिछा दिया जी। पल बिछाने के बाद में गाना बजाना चल रहा, हारमोनियम बजा, ढोलक चिमटा, पब्लिक बिटली हो जाती थी, कहने का तात्पर्य ये है आनंद आता था, बहुत मौज आती थी, समय याद आता है, आज भी याद आता है। आपको कैसे लगते हैं इनके जो कैलाश खेर के गाने हैं जो अच्छे? क्या बात है भाई, भाई है ऐसी बात जी, गाने सुनते हो? एक बात तो हाँ समय मिलता है, मेरे बेटे बहुत सुनते हैं, मेरी बिटिया जी जी बहुत शौक के फैन है ऐसे जी, ठीक है दोस्तों। और आज काफी अच्छा लगा, ये देखो भाई ये था वो जगह जो आज हमने आपको दिखाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी आपका हमारे किसान चैनल के लिए समय दिया। तो जय हिंद, नमस्कार जी, जय हिंद, जय भारत, जय जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।